भारत तेजी से हर सूची में अपना कद बढ़ा रहा है। अभी 2018 की शुरुआत में अर्थव्यवस्था के मामले में चीन को पछाड़ते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना भारत। उससे पहले सबसे ज्यादा FDI पाने वाला भारत पहला देश बना। तो अभी पर्यटन सूची में रूस जर्मनी को पछाड़ते हुए दुनिया में तीसरा देश बना भारत। तो वहीं एक बार फिर से अब जापान को पछाड़ते हुए भारत ने नया मुकाम हासिल किया है, जिसे देख आप भी गर्व महसूस करेंगे। अभी मिल रही ताज़ा खबर के मुताबिक आपको जानकर गर्व होगा कि जापान जैसे शक्तिशाली देश को पछाड़ते हुए भारत स्टेनलेस स्टील का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हालांकि इस सूची में अभी चीन पहले पायदान पर है। फरवरी में 3.4% की बढ़त के साथ भारत का स्टील उत्पादन 8.4 मिलियन टन पहुँच गया, जबकि जापान के स्टील उत्पादन में 0.5% की गिरावट आई। फरवरी में जापान का स्टील उत्पादन 8.2 मिलियन टन रहा। जापान में 2017 में 104.7 मिलियन टन स्टील का उत्पादन हुआ, जबकि भारत में 101.4 मिलियन टन का। पिछले कुछ समय में भारत और जापान के बीच स्टील उत्पादन को लेकर जो अंतर था वो काफी कम हो गया है। इससे 2018 में भारत के स्टील उत्पादन में दूसरे स्थान पर आने की संभावना प्रबल हो गई है। इसी गति से भारत तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन को भी पछाड़ देगा। भारत की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से कहीं ज्यादा आगे है। 2016 में भारत और जापान के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन फिर तेजी से भारत ने प्रगति की, जिसके बाद इतिहास में पहली बार भारत ने 3 अंकों में अपने उत्पादन को लाकर खड़ा कर दिया। ये पहली बार है कि भारत ने साल 2017 में 101.4 मिलियन टन तक का विशाल उत्पादन किया। इससे पहले साल 2015 में भारत ने अमेरिका को पछाड़ते हुए चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई थी। लेकिन दुनिया के कई जानकारों के लिए ये बेहद आश्चर्य की बात है कि जापान जैसा इतना शक्तिशाली संपन्न देश का लगातार साल दर साल उत्पादन गिर रहा है, जबकि वहीं भारत का 2014 के बाद से साल दर साल उत्पादन हैरत अंगेज तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद अब मोदी सरकार ने अगला लक्ष्य सीधा 128 मिलियन टन से 300 मिलियन टन तक के आंकड़े को छूने को रखा है। यूपीए सरकार के अंतिम 3 सालों की अर्थव्यवस्था की गति पर गौर करें तो ये 2011-2012 में 6.7, 2012-2013 में 4.5 और 2013-2014 में 4.7% थी। वहीं बीते 3 सालों के मोदी सरकार के कार्यकाल पर गौर करें तो 2014-2015 में 7.2, 2015-2016 में 7.6 थी, वहीं 2016-2017 में 7.1 है। जाहिर सी बात है 3 सालों में GDP ग्रोथ रेट 7 से ज्यादा ही रही, जबकि UPA के अंतिम 3 सालों के औसत GDP ग्रोथ रेट 5.3 ही रही। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।